Yeah Check him home. I've been waiting patiently cause you my homie, bro. But times is getting hard, so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to wipe you out just like you, Colgate. you been ducking at the crib thinking that you safe. But little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down. I'ma turn your little smile into a big old frown. Cause evidently you don't wanna send a message now. And you holdin' to my money like you, Oscar proud. I'ma find you and I'ma get you.

तो वो यही है एक ये पोछा करने वाला आया है मोप जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं लेकिन चूंकि दो दिन हो चुका है और मैं यूज कर चुकी हूँ तो अब मैं एक्साइटेड नहीं हूँ मतलब मुझे पसंद नहीं आया ऐसे बहुत ज़्यादा सही लग रहा था लेकिन खुद से जैसे किसी चीज़ को वीडियो में देखो और वो खुद चीज़ यूज करो तब उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो जो मैं दो चीज़ मंगाई दोनों ही वीडियो में देखने में अलग था और यूज करने के बाद बहुत अलग लगा है तो पहले तो ये देख लो ये पोछा वाला है जो कि मुझे दिखाए भी नहीं थे हस्बैंड मंगा लिए उसके बाद पता चला तो खैर जो भी है लेकिन वीडियो में देखे तो फिर ठीक लग रहा था तो ऐसा है इसे पानी डालो और जो भी आप लिक्विड यूज करते हो पोछा के लिए वो पोछा वाला मतलब लिक्विड डाल दो और उसके बाद एक तरफ से ऐसे करके इसको आ, मतलब कि भिगोना है और दूसरे तरफ से आ, सोक करना है तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि मैं क्यों हमेशा बोलती हूँ कि हाथ से पोछा लगाना मुझे थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि सीधे बाल्टी में पानी लो उसमें डालो मतलब पता नहीं क्यों आसान लगता है इसमें भी वही पानी डालना है इसमें भी वही लिक्विड डालना है लेकिन इसको अब हटाओ ऊपर वाला उस डक्कन को हटाओ फिर पानी लिक्विड डालो फिर ढक्कन को बंद करो और फिर एक तरफ से पानी डालो फिर दूसरे तरफ न, डाल के उसको सूख करो और उसमें क्या दिक्कत आ रहा है ना कि चलो ये ताम आदत हो भी जाएगा लेकिन सो करने वाले में ना जल्दी ये अंदर जा ही नहीं रहा है आप देखोगे आगे जब मैं पोछा लगाऊंगी तो तो यहाँ से पानी निकालने वाला है अगर पानी आप चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ से ही खोल दीजिए पानी निकल जाएगा बट इतना ताम मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी और दो ब्लॉग पहले से मैं बोल रही थी लेकिन आज रिव्यू दे रही हूँ इतना गंदा आप लोग भी सोच रहे होंगे इसमें रियल वाला जो वॉइस है उसको मैं म्यूट कर दी क्योंकि रियल वाला वॉइस एकदम इसका इसके डिफरेंस था मतलब इसके डिफरेंट था क्योंकि मैं उसमें अच्छा बोली हूँ कि ये आ गया पूछा बचान होगा ये अच्छा है ये है वो है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो फिर क्या मतलब झूठ बात तो बोलूँगी नहीं ऐसे ही मैं जो मैट्रेस यूज़ कर रही हूँ उसका मैं वीडियो डाली हूँ तो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी थी खैर इतना ख़राब नहीं है मतलब प्राइस के हिसाब से शायद फोर्टी फाइव हंड्रेड का है तो उस हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन सब लोग ऐसे मतलब मुझे उस टाइम पता नहीं था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगा और तब मेरा वीडियो वायरल भी नहीं हुआ था वही वो वीडियो वायरल हो गया मतलब आज से लगभग डेढ़ साल पहले की बात होगी शायद तो मतलब फिफ्टीन प्लस थाउजेंड उसमें व्यूज आ गया और सब लोग कमेंट कर रहे थे तो फिर मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुझे प्रमोशन के लिए मिला है मुझे पैसे मिले हैं झूठ बोलने के लिए ये तो है नहीं और अगर झूठ बोलने के लिए भी पैसे मिलेंगे तो वैसा झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक दिन उसका झूठ बोल देंगे लेकिन यहाँ ब्लॉग तो डेली चलेगा और जो मेरे सब्सक्राइबर वो जेन्यून रहेंगे तो फिर उनसे मतलब क्यों झूठ बोलना तो वही बात हो जाता है और दूसरा मैं ये रैक दिखाने वाली थी जो कि दो तीन दिन आया हुआ हो गया लेकिन मैं सोच रही थी कि इसको सेटल करके मैं इस चक्कर में मैं नहीं दिखा रही थी तो ये भी उल्टा हुआ जैसे मैं आयान मोम ब्यूटी का पहले आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि वो फेमस यूट्यूबर है तो उनका कभी कभी वीडियो देखती थी तो ये वाला रैक देखती थी हालांकि जिसका जो किचन है मॉडुलर किचन है उसको एक्स्ट्रा रैक का जरूरत नहीं होता है क्योंकि हर चीज़ का जगह बना ही रहता है बर्तन से लेकर डब्बे डुब्बी जो भी रखना है सबके लिए मॉडुलर किचन में जगह रहता है तो आप स्लैब पे कुछ भी ना डालो तब भी चलेगा तो एक्स्ट्रा रखने का जरूरत नहीं तो उनका ऐसे में देखा देखती हूँ कुछ भी रखा हुआ रहता है इतना कुछ नहीं रखा रहता है बट हम लोग को तो स्पेस चाहिए तो ये देखो भर दी मैं सो so, और दूसरी बात जो किचन का और क्लीनिंग का और कुछ अच्छा वाला वीडियो बनाती है मैं उन लोगों का कुछ वीडियो देखती हूँ जो मतलब डेकोरेशन वाला तो वो लोग के किचन में भी मैं ये वाला देखी तो उनके किचन में भी जो था ना देखने से पहली बार तो दूसरे के किचन में ये ज़्यादा बड़ा लग रहा था जबकि इतना बड़ा नहीं था जैसे ये डब्बा में रख दे रही तो इसका जो शो है वो ढक जा रहा है और तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो वो लोग ना छोटा छोटा क्या बोर्डली बोलते हैं जार बोलते हैं ना वो रखा हुआ है तो जैसे जिसमें अचार नहीं रखते हैं वो वाला जार उस टाइप का जार रखा हुआ है दो दो करके तो वो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में जैसे येलो कलर का हो गया वाइट कलर का हो गया इस तरह का जार रखा हुआ है तो वो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में बट मुझे तो चाहिए ये जरूरत के लिए तो यहाँ देखिए आठ डब्बा भर दी सात आठ डब्बा भर दी यहाँ पे तो मतलब इस तरह से इतना सुंदर नहीं लगेगा लेकिन फिर भी स्पेस कम है मतलब कम स्पेस ले रहा है और चीज़ें फिर भी अंट जा रहा है मतलब बहुत छोटा है तो वो जो डब्बा जो मैं रख के दिखा रही थी वो बड़ा पड़ रहा था और मुझे मेन यहाँ पे रखना था चाय पत्ती चीनी दो और दूसरा दलिया जो मतलब डेली यूज करना है और फटाक से वहाँ लेके यूज कर लो तो दलिया को तो छोड़ दो फिर भी सब्ज़ी बनाने टाइम मुझे सबसे ज़्यादा जैसे एक मसालदानी है जिसमें सारा मसाला है और दूसरा है ना कि अलग अलग डब्बे में एक में जीरा है एक में तेजपत्ता है तो एक में सूखी लाल मिर्च है जो कि मैं फ़ौरन में डेली यूज़ करती हूँ तो वो ना एक उस रैक से उतारना पड़ता है तो एक दूसरे रैक से उतारना पड़ता है मैं सोच रही थी ये ले लूँगी तो एक ही पे जीरा तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च रखूँगी और उसी पे ये क्या बोलते हैं चीनी चाय पत्ती रखूँगी मेन इसके लिए ली थी अब मेरा चीनी चाय पत्ती वाला जो डब्बा ठहरा वो बड़ा ठहरा वो अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैं जो कभी मेरे शादी से पहले का ये डब्बा है जो आप इधर देख रहे हो जिसमें मतलब पर्पल कलर का लाइनिंग वाला जो है मेरे शादी से पहले का है मतलब मेरे हस्बैंड जब रहते थे तभी वो खरीदे थे और इसको हम लोग यूज़ भी नहीं कर रहे थे मतलब जो चीज़ नहीं ज़्यादा यूज़ करना है वो इसमें रख के रख दे रहे थे लेकिन आज वही होता है किसी का भी किस्मत होता है मतलब कौन चीज़ कब यूज़ में आ जाए और कौन चीज़ आपको कब फायदा दे दे और आपके यूज़ में आ जाए कुछ पता नहीं होता अभी ये डब्बा मुझे अच्छा लगने लगा है देखने में भी सुंदर लगने लगा है और ये जो अभी मैं पूछ रही हूँ डब्बा ये मैं मंगाई हूँ मतलब बहुत ही सस्ता पड़ा था अट्ठारह सेट था शायद तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा और हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ होता है जो डब्बे में रखना होता है जो एयर टाइट डब्बा में रखना होता है तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा था कि कमेगा नहीं भाई डब्बा हमेशा कम जाता है और रंग बिरंग का डब्बा देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं वो मंगाई थी तो आप देख सकते हो मैं एक्सचेंज कर दी उसको ये अभी जो मैं पोच रही हूँ उसमें आ, ऐसे चूड़ा जिसको पोहा बोलते हैं वो रखी थी और ऐसे ये क्या बोलते हैं मैदा रखी थी तो वो दोनों उसमें रख दी और उससे पहले रखने से पहले दोनों को अच्छे से लिक्विड डाल करके और बर्तन साफ़ करने वाला स्कॉच होता है वैसा वाला स्कॉच से अच्छे से साफ करके फिर पोछ रही हूँ क्योंकि सुखाने वो खाने से कोई फायदा नहीं होता पता है सुखाने के बाद भी पोछना ही पड़ता है उसके लिए अब वेट करो कि धो दो, दो फिर कहीं रख दो फिर बच्चे ले इधर से उधर फेंकेंगे फिर वो गंदा हो जाएगा फिर पोछो फिर डालो उससे चाहे गीला ही कोई कॉटन कपड़ा अगर साफ़ सुथरा है तो ये साफ़ ही पैंट था एकदम धोया हुआ कॉटन का पैंट था उसी से मैं साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से साफ कर ले रही हूँ और तत्काल में ही मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाना भी है वो रैक कि मैं किस तरह से रखी हूँ कुछ ज़्यादा ताम नहीं है और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिसके घर में मंदिर नहीं है जो मंदिर नहीं खरीदे हुए हैं वो भी ये रैक ले सकते हैं फाइव था, था सॉरी फाइव थाउजेंड बोल रही हूँ वैसे तो मंदिर फाइव थाउजेंड में आता है उसे ऊपर ही आता है कम से कम फाइव थाउजेंड में आता है मंदिर लेकिन ये रैक पाँच का है फाइव का है तो ये वो लोग भी ले सकते हैं जिसके घर में मंदिर नहीं है क्योंकि काफ़ी अच्छा लगेगा मंदिर डिजाइन का ही है और छोटा छोटा जो मूर्ति फ़ोटो होता है मूर्ति तो तीन आराम से हट जाएगा फ़ोटो भी दो दो करके हट जाएगा आराम से तो वो भी ले सकते हैं इस पर क्या करना है वो जो कार्टून का होता है कार्डबोर्ड कुछ भी बिछा डाल करके और उस पर पे पेपर कोई भी अच्छा बिछा करके उस पर भगवान रखेंगे तो मंदिर का भी काम करेगा क्योंकि मंदिर डिजाइन का ही बना हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे और हाँ रेड कलर से कलर कर लो या व्हाइट कलर से कलर कर लो अगर ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा तो बहुत सारे लोगों के किचन में मैंने वाइट देखा है जैसे कि अब मेरा मान लो कि ये वाला रे एक वाइट है और टाइल्स वाइट है तो इसको भी वाइट कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा लेकिन इतना ताम झाम मैं नहीं कर सकती मेरे घर में ना पेंट है ना ये है ना वो है तो इतना कौन करेगा हाँ और एक ये आया है जो हम चम्मच वगैरह और चाकू ये सब रखने के लिए मेरे घर में बहुत ज़्यादा हो जाता है मतलब तीन चार चार चाकू है चार चार पीलर है इस तरह का मतलब कितना सारा हो जाता है जमा हो जाता है तो वो तीन तीन मैं रखी हुई हूँ ये देख सकते हैं यहाँ पर रख के एक ट्रे रख करके उस उसमें रखी हुई हूँ देखिए तो ऐसा वाला हस्बैंड लोकल मार्केट से ही लेकर के आ गए हैं जिसमें काफी ज्यादा अट गया है एक ही में सारा अट गया है और बहुत ज्यादा अच्छा है मतलब वो हमारे घर के भाषा में बोलते हैं समटाऊ लगता है बहुत अच्छा मतलब लग रहा है मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि थोड़ा से जगह में ज़्यादा चीज़ें अट गया है और देखने में भी ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है कि हाँ बहुत चीज़ें अट गया तो अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा नहीं है तो हमारा जो किचन है वो बहुत ही छोटा किचन है और कोई रैक वैक नहीं है सिर्फ एक स्लैब है तो उस पर हम रैक ले सकते हैं एक्स्ट्रा लेकिन अगर बड़ा बड़ा रैक और बड़ी बड़ी चीज़ें रख देंगे तो वो स्लैब ही भर जाएगा फिर हम जो खाना बनाते हैं वो बर्तन कहाँ रखेंगे और खाना कहाँ रखेंगे क्योंकि तो यहाँ पे मैं दलिया बना रही हूँ और बहुत दिन से मैं ऐसा सिंपल वाला दलिया बनाती थी जैसे दाल और दलिया डाल करके जैसे दाल बनाते हैं ना वैसा वाला लेकिन बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ इस तरह से आलू वाला और आलू वाला मतलब अच्छा ही होता है थोड़ा हेवी हो जाता है आलू हो गया टमाटर हो गया प्याज हो गया और ये घी फिर से मंगवाई हूँ लेकिन थोड़ा कम वाला है और ये गाय का घी है तो आज फर्स्ट डे से मैं यूज़ कर रही हूँ कई दिनों से मैं घी नहीं दे रही थी और घी देने पे मतलब और संतुष्टि मिलता है मतलब इस तरह का दलिया देने से मन में ज़्यादा संतुष्टि मिलता है कि इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन पता है आज ये अच्छा से दलिया नहीं खाया है मतलब जितना सिंपल वाला दलिया अच्छे से खा लेता है उतना अच्छे से ये नहीं खाता है अब मैं क्या समझूँ हो सकता है उतना में ही उसका पेट भर जाता होगा या फिर हो सकता है उसको अच्छा टेस्ट नहीं लगता होगा मुझे ऐसा लगता है टमाटर डालने के बाद इसको अच्छा टेस्ट नहीं लगता है तो मैं कल ऐसा ही बनाऊंगी लेकिन उस इसमें टमाटर नहीं डालूंगी तब देखते हैं क्योंकि टमाटर में थोड़ा सा खटास आता है ना तो हो सकता है बाबू को पसंद नहीं आया हो तो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं खाया है तो बस यही है न, पहले थोड़ा सा घी डाली उसके बाद वही आ, सारा कुछ मैं एक ही साथ डाल वाल के थोड़ा बहुत भून भान देती हूँ और उसके बाद पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि दलिया अंदर में चिपक जाता है और दोबारा मैं देती हूँ तो उस टाइम दलिया ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालूँगी पहले ही बोल दे रही है क्योंकि आप लोग देखोगे तो बोलोगे यार यार कितना ज़्यादा पानी डाल रही है और आलू डालते हैं ना तो पानी थोड़ा सोख भी जाता है तो इसलिए तो बस ये हो गया और मैं हाफ रही हूँ बीच बीच में और अब जा रही हूँ मैं पोछा लगाने के लिए देख सकते हैं अभी तक मेरा खाना नहीं हुआ है नहाना नहीं हुआ है और पता है मैं ना ये पोछा नहाने के बाद लगाने वाली थी मैं सोच रही थी क्या हो गया बाद में ही लगा लेंगे क्योंकि टाइम लगता है ना तो मैं नहाने चली गई थी जैसे ही बातों में नहाने गई बस वैसे ही बेल बज गया मतलब कुरीयर वाला का और बेल बजा मेरा तो माथा टनक ही गया बाबू सच में उठ गया मुझे लगा कि बाबू उठ जाएगा बाबू उठ गया था अब ये उठा और वो कैसा आदमी था एक नहीं तीन बार बेल बजाया मतलब यार खुद पर गुस्सा करे या उस पर गुस्सा करे क्योंकि मैं ऑर्डर ही नहीं करूँगी कोई सामान तो आएगा थोड़ी कोई ऐसे बेल बजाने तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर हो गया मेरा ख़त्म जैसे मैं नहाने जा रही थी वो नहाना तो हो ही गया बेकार जैसे मान लो ग्यारह बजे जा रही थी वह हमें बारह बजे गई एक घंटा बीच में बाबू ले लिया क्योंकि उस टाइम सो के उठता है ना तो ये बहुत रोता है तो बहुत रो रहा था तो मैं इसी के साथ थी और उसके बाद जब ये चुप हो गया तो मैं सोच रही थी चलो यहाँ पे इसको रख के पोछा लगा ही लेती हूँ क्योंकि फिर कब नहाऊंगी फिर कब क्या करूँगी तो ये देख सकते हैं बाबू इधर उधर ही है मैं फटाक से इसमें भर के और ये देखिए जैसे जब अभी मैं इसको गीला करूँगी मतलब धोऊंगी तो ये इधर से जाएगा नहीं ये सुखाने वाला है यही नहीं डला रहा है इसमें जा ही नहीं रहा है जल्दी से ये सुखाने के लिए है जिधर से मतलब भिगोते हैं तो मैं ऐसे भीगा ही हुआ मैं पोछ रही हूँ मतलब यार गुस्सा आ जाता है ऐसे पोछा एक तो ऐसे ही लोग थका हुआ रहता है ऊपर से आप दस घंटा में उधर गुस्सा आओ उधर मतलब ये क्या है यार गुस्सा आ रहा था बहुत हाथ भी दर्द हो गया था इसमें कोई फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा है उसे अच्छा है कपड़ा गीला करो उसको अच्छे से गाड़ दो और बस पोछते जाओ आराम से और पोछा भी वो ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ पे ना ऐसे ऐसे करो तो धूल मिट्टी जो है वो दीवार के जड़ी में लगा ही रह जा रहा था मैं देख रही थी उसको नहीं निकाल पा रही थी और कपड़ा में तो पूरा ही पोछ छा हाँ के आ जाता है पूरा बाल्टी में तो पता नहीं सबका अपना अपना होगा जा अब अभी के ज़माने में बहुत कम लोग हाथ से पोछा लगाते हैं जो काम वाली बाई है बस वही लगाती है और बहुत सारी काम वाली बाई जैसे कि मेरे मायके में लगी हुई है तो वो बहुत सारी जो आती है ना बोलती है कि मैं हाथ से नहीं मारूंगी मतलब हाथ से पोछा नहीं मारूंगी डंडा वाला से मारूंगी ऐसा बोलती है फिर मम्मी फिर बोलती है कि नहीं हाथ से मारिए हाथ से अच्छा से तब जाके मारती है नहीं तो फिर भी बोलती है ठीक है एक दिन हाथ से मारेंगे एक दिन डंडा वाला से मार तो ऐसा है अब तो काम वाली भी नहीं मतलब कि हाथ से मारना चाहती है तो बस यही है हाँ तो वही मैं नहाने जा ही रही थी मैं सोची भाई यार क्या मतलब चलो वीडियो ही लेना है तो क्या हो गया मतलब नहा कर क्या पहले ही ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है हमारे फैमिली हैं सब लोग कोई किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा मतलब बुरा नहीं लगेगा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अच्छा कपड़ा मैं नहीं पहनी थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था लेकिन इतना भी ज़्यादा ख़राब कपड़ा नहीं था वैसा मैं पहनती भी हूँ तो इसलिए मैं मार दी उसके बाद आ गई हूँ नहा करके लोअर टी शर्ट पहन ली और पता है ये वाला जो मेरा नाइट वेयर है ना इसका ऊपर वाला कहीं और है और मतलब लोअर कहीं और है अपर कहीं और है तो इस पर मैं दूसरा कोई कोई टी शर्ट करके पहनती हूँ और वैसे भी आ, मतलब सब एल साइज़ एल साइज़ मंगा ली थी और अभी मुझे एम साइज़ आ रहा है तो लोअर तो चल जा रहा है एल साइज़ क्योंकि उसमें बांधने वाला होता है नारा लेकिन जो शर्ट है उसका ऊपर वाला वो कुछ ज़्यादा ही लूज है तो अच्छा नहीं लगता है और एक दो दिन पहले वाले वीडियो पे एक बहुत सारा लंबा बहुत लंबा जोड़ा कमेंट आया था मतलब बहुत अच्छा ही बोली थी मेरे लिए ही बोली थी अच्छा बोली थी वही बोल रहे थे कभी पार्लर चले जाओ कभी हेयर कट करवा लो और फिर क्या बोलते हैं और बोल रही थी ना फिटिंग वाला ड्रेस पहनो सब कुछ अच्छा ही बोल रही थी लेकिन पता है मतलब लोग बोलते हैं कि अपने पर ध्यान दो लेकिन मतलब एक कहीं ना कहीं मजबूरी है ठीक है कि हाँ बच्चे पे ध्यान देना है और कहीं ना कहीं प्यार भी है क्योंकि अच्छा लगता है अपने से ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देना मतलब हर किसी का सोच अलग अलग हो सकता है हमारे जैसे मतलब बेकार सोच सबका नहीं होगा हो सकता है मेरा बेकार सोच है लेकिन नहीं हो पाता है कि अभी बताओ मैं पार्लर किसके ऊपर छोड़ के जाऊँ इसको कहाँ रखूँ हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता है मतलब वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं अभी सुबह में जाते हैं नौ बजे तो रात में साढ़े सात में शाम में आते हैं उसके बाद कब मुझे पार्लर लेके जाएंगे कभी छुट्टी होगा चले जाएंगे मान लो अभी जाना ही है फिटिंग करवाना है मुझे तो मैं सोच रही हूँ जाने का तो इतना नहीं कुछ कर सकती हूँ रहा बात फिटिंग ड्रेस का तो फिटिंग ड्रेस तो अभी से दो दिन पहले वाले ब्लॉग में आप देखना मैं पहन ली और फिर बाद में चेंज कर ली क्यों पता है क्योंकि आ, फीड कराने में दिक्कत क्या हुआ बेटा हाँ तो मीठी खेल रही थी खिड़की के पास और उसको छींक आ गया तो खिड़की में चोट लग गया बहुत ज़ोर से और तो वही है मैं अभी अपने आप पे नहीं ध्यान दे पा रही हूँ मतलब फिटिंग कपड़े पहनना अच्छे दिखना ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है पार्लर जाना अपने को पैंपटिंग मतलब ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है लेकिन हाँ बीच बीच में हो जाएगा मतलब ऐसा नहीं है अभी मैं पार्लर जाने वाली हूँ थ्रेडिंग करवाने के लिए और फिटिंग कपड़ा तो उसके लिए मतलब पहन तो लेती हूँ लेकिन फिर लास्ट में जाके मतलब फिट करने में थोड़ा दिक्कत होता है मुझे ज़्यादा फिटिंग कपड़े में तो मतलब आदत हो जाता है ना तो कम्फर्टेबल फील नहीं होता तो इसलिए फिर मैं खोल देती हूँ तो झाड़ू पोछा सब होने के बाद मैं नहाई उसके बाद बाबू और मीठी को नहलाई इन दोनों को नहलाना भी बहुत बड़ा टास्क है और यहाँ पर वो दुपट्टा कल शाम में ही धो के मैं डाली थी हाथ से तो हाथ से धुला हुआ कपड़ा मतलब मशीन के धुला हुआ कपड़ा जहाँ पंद्रह मिनट में मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जहाँ पंद्रह मिनट में सूखेगा हाथ से धुला हुआ एक घंटा में सूखता है मतलब तीन गुना टाइम लेता है तो एक दुपट्टा भी नहीं सूख पाया था फिर मैं उसको रूम में रखने गई जो कपड़ा स्टैंड बनाई हूँ उस पर ताकि वहाँ फैन चल रहा है तो सूख जाएगा और अच्छा नहीं लगते रहता है लेकिन जगह नहीं है तो कपड़ा रखना ही पड़ता है टांगना ही पड़ता है हस्बैंड बोल रहे हैं रूम चेंज करने का लेकिन यार इतना आसान नहीं है रूम चेंज करना पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि चेंज करे या ना करें मतलब दुख झेले या फिर क्या करें समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा दुख नहीं है लेकिन हाँ जो भी है तो ये सब हो गया हाँ, दोनों को नहलाई दोनों का कंघी की कपड़े पहनाए ये सब भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाता है यार उसके बाद इन दोनों को मैं खिलाऊंगी तो एक प्लेट में लाई हूँ एक कटोरा में लाई हूँ कटोरा में लाई हूँ बाबू को खिलाने के लिए प्लेट में मीठी के खिलाने के लिए लेकिन कटरा वाला ठंडा ही नहीं हो रहा था तो फिर मैं प्लेट से ही दोनों को खिला रही थी फिर बाद में इसमें डाली और अब मैं मेरा ना दिया बाती जो मैं शाम में साँस दिखाती हूँ तो बाती मेरा ख़त्म हो गया है और गोल वाला है तो जिसमें मैं मतलब जो मेरा दिया है उसमें गोल वाला नहीं जाता है तो मैं अपने से चार पांच बना ले रही हूँ उसके बाद हस्बैंड से मंगवा लूँगी और आज कब लोग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वैसे आ, जो मतलब चीज़ें बाद में डालना चाहिए वो हमें पहले डाल दी और जो पहले वो बाद में तो हो सकता है कुछ लोग पूरा ब्लॉग नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं भी लगेगा लेकिन जो पूरा देखेंगे हो सकता है अच्छा लग लगे तो लाइक कर दीजिएगा चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बाय